Hey, my well wishers, welcome back to another vlog. This is Anushka, and obviously, you're watching Anushka Fashion Vlog with another video, with another most awaited video. So, मैं बहुत ज़्यादा craziness में बोलने जा रही थी, फिर मैंने कहा चलो calm down, okay ही बोलती हूँ. So, welcome, welcome, welcome again. So, आज बहुत ही अच्छे hack के बारे में बात करने जा रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत most awaited video है और बहुत लोगों को ये issue भी होता है जो मैं आज share करने वाली हूँ. वैसे तो आप लोगों ने thumbnail देख के जानी गया होगी कि आज किस चीज़ पर बात होने वाली है और किस चीज़ को हम step by step करने वाले हैं, और उस चीज़ को मैं फेस टू इन वन वन टू वन जो कुछ भी बोला जाता हो उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगी और उस तरीके से बताऊंगी मैं आपको किस तरीके से करना है और किस तरीके से वो चीज़ फॉलो करनी है जिससे वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल ना हो और आप इजिली कर पाओ और वैक्सिंग और दुनियादारी के तीन काम से बच पाओ. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है जो मैं स्टार्ट करूँगी, मैं आज करने जा रही हूँ अपनी फेशियल हेयर रिमूव. और फेशियल हेयर रिमूव का प्रोसेस क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, और मैं किस तरीके से करती हूँ अपना फेस की हेयर रिमूव विदाउट वैक्सिंग, विदाउट पेनफुल, मतलब पेन बिल्कुल भी नहीं जाने वाली मैं, और वैक्सिंग कराना भी नहीं चाहिए फेस पर. जो हमारी स्किन होती है वो लूज हो जाती है, फिर आप जब 35 या 45 अब होते हो तो उसका असर तब दिखना शुरू होता है. सो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है, वैक्सिंग को अवॉइड करना, बट ये पूरी तरीके से सेफ है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी. सो जो मैं रेजर यूज करने जा रही हूँ उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप वहाँ पे जाके चेकआउट मार सकते हो. नायका का लिंक रहेगा या फिर मैं अमेजोन का भी लिंक शेयर कर दूंगी. आप जिस पे भी अपने आप को सफिशियंट समझो या जिस पे भी आपका अकाउंट बनाओ, सो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो. एक्चुअल में मेरे तो बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स हैं, आप लोग देख सकते हो, ईजिली दिख रहा है, हमारे फेशियल हेयर से ईजिली दिख रहे हैं, और मैंने अभी थर्ड वीक नहीं करा रखा है. सो ईजिली दिख रहा है मेरा हेयर ग्रोथ कितना है फेस पे, और बहुत लोगों के होता है ये, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है या फिर ऐसा कोई इशू नहीं है कि लड़कियों के है या फिर किसी के होता नहीं है, बहुत कम लोगों के होता है. हाँ, मैं मान सकती हूँ बहुत कम लोगों के बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, जैसे मेरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बट कुछ लोगों के बहुत कम भी ग्रोथ होती है. बट ऐसा नहीं है कि फेशियल हेयर्स होते ही नहीं है. सो जिस लोगों के ज़्यादा होते हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अनकम्फर्टेबल फील होते हैं, आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं दिखता है और आप कुछ भी यूज़ कर लो फिर वो उतना ज़्यादा खिल के नहीं आ पाता है, थोड़ा सा ये रीजन्स रहते हैं अगर आपके फेशियल हेयर्स रहते हैं तो. मोस्टली आप अगर मेकअप करते हो तो ऑब्वियसली अगर आपके फेशियल हेयर्स हैं तो आप ये चीज़ महसूस कर पाते होंगे कि आपका जो फाउंडेशन होता है वो ब्लर होने लग जाता है या फिर उतना ज़्यादा फ्लॉलेस लुक नहीं दिखता है, वो सॉफ्टनेस नहीं फेस पे आती है. सो आज इस चीज़ का सोल्यूशन है, और यूट्यूब पे बहुत सारा इस चीज़ का सोल्यूशन है, बट मैं जिस तरीके से करती हूँ वो आपको शेयर करने वाली हूँ. बाकी सोल्यूशन तो आजकल यूट्यूब पे भरमार है, बट फिर भी अपने अपने व्यूज होते हैं, अपना अपना तरीका होता है. इस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ कि आप लोग देख सकते हो ना ही मेरे फेस पे एक भी स्पॉट नहीं है, एक भी दाने नहीं है. सो वो किस रीजन्स की वजह से मेरे मैं रेजर यूज़ करती हूँ उसके बाद भी मेरे एक भी पिम्पल नहीं आता है, आप लोग देख सकते हो मेरे फेस पे एक भी स्पॉट नहीं है. जो कुछ है मेरा ये जेनेटिक या फिर बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से मेरे तिल वगैरह है जो कुछ भी है फेस पे, बट मेरे चेहरे पे एक भी दाग नहीं है. ये नहीं बोल सकते कि मैं रेजर करती हूँ तो मेरे फेस पे दाग आ जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं क्या लोगों के पिंपल्स आ जाते हैं, वो सही प्रोसेस नहीं होता है, इस वजह से आ जाते हैं पिंपल्स, क्योंकि रेजर यूज करो. ऑब्वियसली अगर आप इसको सही से नहीं यूज करोगे तो आपके मोस्ट प्रोबेबली रहते हैं चांसेस कि आपके पिंपल्स हो जाए या फिर हल्का सा दाग वाग जिस तरीके से रफ हो जाए स्किन. सो उसका रीजन क्या होता है रफ होने का वो मैं आगे बताऊंगी, बट जिस प्रोसेस से मैं करती हूँ वो प्रोसेस मैं आपके पास शेयर करने वाली हूँ. तो फर्स्ट स्टेप्स में हमारा ये रहता है, मैं करती हूँ सबसे पहले अपने फेस का. वैसे तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैं टुलिप्स का यूज़ करती हूँ अपना, ये वाला, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक. जो मैं यूज़ करती हूँ, जितना भी मैं यूज़ करती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा लिंक दे देती हूँ, सो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो. मैं सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करूँगी, उसके बाद बढ़ेंगे अपनी प्रोसेस की साइड. ओके, अब मैं बहुत डीपली मॉइस्चर करूँगी अपने फेस को, बहुत ही डीपली. जो मैं ये यूज़ करने जा रही हूँ अपनी क्रीम वो है निविया की, ये ब्लू वाली, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. सो गाइस, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, बहुत सारे ये बोल सकते हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आने लगे हैं. सो प्लीज़ इस चीज़ से बचो आप लोग, और किसी अच्छी वेबसाइट से जाके परचेज करो, जैसे नायका है, या फिर ये तो शॉप पर भी ईजिली मिल जाती है, तो आप जाके शॉप पर परचेज, शॉप भी कोई अच्छी शॉप हो वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट, बहुत ज़्यादा फेक प्रोडक्ट्स बच रहे हैं, बिक रहे हैं. सो इस चीज़ से प्लीज़ थोड़ा सा बचो आप लोग. सो हम अच्छे से अपना डीप मॉइस्चर करेंगे अपने फेस को, और उसके बाद हम अपना रेजर वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. बहुत सारा मैंने क्रीम ले रखा है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा. मैं अच्छे से डीप मॉइस्चर करूंगी अपने फेस को, जिससे बिल्कुल भी रफनेस ना रहे और हमारे फेस पे
बिल्कुल भी रफ ना रहे और मैं इरेजर यूज करूँ ना तो वो स्मूथ चले। पूरी तरीके से आपको फेस में अपनी क्रीम को एब्जॉर्ब नहीं कराना है, बस आपको अपना फेस जो है ना मॉइस्चर करना है अपने फेस को, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट करना है अपने स्किन, और ये नहीं है कि आप पूरी क्रीम जो है ना मॉइस्चर पूरा एब्जॉर्ब करा दो अपने फेस को क्रीम में। तो अच्छे से मॉइस्चर कर लेना जिन जिन पार्टों में आपको करना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं हेयर्स तो यहाँ पे अच्छे से करना है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे तो फोरहेड पे है सबसे ज़्यादा हेयर, मैं फोरहेड पे भी थ्रेड यूज़ नहीं करवाती हूँ, मैं रेजर ही करती हूँ। तो मैंने अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चर कर लिया है, अब मैं यूज़ करूँगी अपना रेजर। आप लोग देख सकते होगे अभी भी प्रॉपर तरीके से हमारे फेस में आ रही है क्रीम, आप लोगों को दिख रही होगी, ये देखिए साइड साइड में लगी, मैंने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कराई है क्रीम। और मैं इसको सबसे पहले तो क्लीन करूँगी अपने जो मैंने अभी यूज़ किया था अपना वेट वाइप्स उससे, और अब हम करेंगे अपना प्रोसेस रेजरिंग का। सो प्लीज ध्यान से देखना, हमेशा थोड़ा सा बेंड करके चलाना है रेजर, देख रहोगे आप वो कितनी टैनिंग भी निकल रही है हमारी। ओके, तो जितना भी प्रोडक्ट अभी निकला है वो आपको मैं दिखाती हूँ, कितना गंदा या कितनी गंदगी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कितना गंदा फेस था। होता है ये, टैनिंग भी निकलती है आपके, एक्स्ट्रा गंदे हेयर्स भी निकलते हैं। ओके, दिस साइड फील तो ऐसा आता है यार, लग रहा है दाढ़ी बना रही हूँ। ओके, आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा निकल रहा है यार, मेरे बहुत एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, मेरे बहुत ही ज्यादा हैं फेशियल हेयर्स, मुझे बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। पूरा गंदा होने वाला है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से गंदा होने वाला, अभी तो मेरा फोरहेड बाकी है। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा ना कि मेरे फेशियल हेयर कितने थे। एक्चुअली बात यह है ना, जब किसी चीज़ को क्लीन करो ना तब एहसास होता है कि उस चीज़ पे गंदगी, वहाँ पे गंदगी कितनी थी। फोरहेड बहुत संभाल के करना पड़ता है यार, नीचे थ्रेडिंग भी तो है, उड़ा थोड़ी देंगे। डन हुआ हमारा, अब बारी है हमारी अपर लिप की। सो गाइस, मेरा ऑल ओवर डन हो गया है, पूरा फेशियल हेयर रिमूव वाला प्रोसेस मैंने कितना क्या
केयरफुली किया आप लोगों ने देखा, बहुत ही केयरफुली करना है, हल्का सा बैंड करके करना है, और इस वाले एरिया में तो बहुत केयरफुली करना है क्योंकि नीचे थ्रेड है गाइस, उड़ा मत देना। अगर फेस वॉश करना चाहो तो फेस वॉश भी कर सकते हो, बट हाँ पेट वाइप से क्लीन करने के बाद अपना फेस वॉश करना। मैं पहले वेट वाइप से अपना फेस क्लीन करूंगी जो मैंने यूज किया है अभी, अपना रेजर, एक्स्ट्रा हेयर्स जितने भी रहे होंगे वो निकल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो। रिमूव कर लिया मैंने अपना पूरा तरीके से, पूरी तरीके से अपने फेस को, जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स थे वो भी निकल गए। कैसी लगी वीडियो और कितनी इंफॉर्मेटिव थी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरी बस थोड़ी सी एक मन कर रहा था कुछ अच्छा सा शेयर करने को, बहुत सारी मैंने क्वेरीज देखी थी लोगों की, वीडियोज पे क्वेरीज रहती है कि फेशियल हेयर को कैसे स्टेप बाय स्टेप रिमूव करें। आप डीप मॉइस्चर करके अपनी स्किन को और हल्का सा बैंड करके रेजर को यूज करोगे, उसके बाद अच्छे से क्लिनजिंग करोगे, और इसके बाद भी फेस वॉश करके फेस सीरम यूज करना, अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, उसके बाद अपने फेस को छोड़ना। ऐसे नहीं कि आपने कर लिया फिर आपने इजिली ऐसे छोड़ दिया, नहीं, आप पहले से जाओ फेस को फेस वॉश करो अच्छे से, और या फेस वॉश नहीं करना तो नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो, उसके बाद सीरम यूज करना है, क्रीम यूज करनी है, उसके बाद अपनी स्किन को छोड़ना है। ये थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो फॉलो करनी होती है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप कभी भी अपने फेस पे पिंपल्स या फिर ड्राइनेस या फिर आपको कोई भी दाग कभी नहीं दिखेंगे या फिर कुछ भी नहीं होगा। प्लीज इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान रखना, और इस तरीके से आप अगर फेशियल लेजर करते हो तो आप वैक्सिंग से भी बच सकते हो और अपने एक्स्ट्रा पेन से भी बच सकते हो, जैसे थ्रेड वगैरह कराते हो उस चीज से भी बच सकते हो, ऑनली थ्रेडिंग ही करानी पड़ेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैंने रेजर यूज किया वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, ऐसी मोर छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स पता करने के लिए या देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और बढ़ती बढ़ती वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।